Human trafficking is an open wound in the heart of the contemporary society and a scourge on the body of Jesus Christ. Caritas India, in solidarity with the trafficked victims, are working for a resurrection in their life. On this day of prayer for the trafficked victims, we pray that they may have life, life in abundance. Let us welcome, protect, promote and integrate them into the mainstream of the society. हम एक जगह में दिल्ली पर गया था और दिल्ली पर मालिक इसे सुबह से लेके शाम तक हमको काम कर रहे थे। जब हम खाने के लिए नहीं देता था, खाली काम में काम बोलता था और दूसरा आदमी आने से हमको ऐसे बदमाशी काम कर रहा था और वो लोग हमको चलो बोल के पैसा मालिक ले लेता था और हमको ऐसे खराब काम करवाता था। हम लोगों का चिल्ड्रन क्लब स्थापित हुआ कोविड-19 के समय में। कोविड-19 पूरे मानव जाति के लिए दर्दनाक स्थिति रहा। लॉकडाउन के वजह से हम बच्चे लोगों का पढ़ना लिखना साथ ही खेल कूद करना सब बंद हो चुका है। ये स्थिति में मानव तस्करी के विषय में भी मालूम हुआ मानव तस्करी क्या है। ये स्थिति में हम चिल्ड्रन क्लब के बच्चे लोग गांव के दूसरे बच्चे को समझाए किसी दूसरे के बेकाब या पैसे के लालच में पढ़ना लिखना छोड़कर बाहर काम काज के लिए नहीं जाए। बॉर्डर लाइन पे पड़ते हैं, बहुत सारे स्कूलों में तस्करी के भी मामले सामने आए थे, माल विभाग के मामले आए थे। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी ऐसी एजेंसियां थी जो आगे फ्रंट लाइन पे नहीं आ पाई। उस टाइम में पीजीसीएस द्वारा हमारे साथ से संपर्क किया गया, हमसे कोऑर्डिनेट किया गया और हमारे साथ मिलकर कई सारे 4-5 माल विभाग भी रुकवाए गए। मानव तस्करी और कस्ट्रा में जो लड़कियों को किडनैप करके लाया जाता था या जबरदस्ती लाकर उनसे काम करवाया जाता था, लड़कियों का रेस्क्यू भी किया गया, हमने वापस अपनी जगह पे वापस उनके गंतव्य तक पहुँचाया भी गया। The jobless father, in utter misery, sold his 4 months daughter for just 45,000 Indian rupees, which then was saved by one of our partners. Caritas India, along with her partners and other stakeholders, have saved more than 34 lives during this lockdown in the country. We pray that human beings who have been created in the image and likeness of God may not be used as commodity which has price but no value and dignity.